आज की वीडियो डेडिकेटेड है एयरटेल के उन यूजर्स के लिए जो अपने मोबाइल नंबर पर आईएसडी कॉल इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि इंडिया में रह के इंडिया से बाहर कॉल करना चाहते हैं, प्रीपेड हो या पोस्टपेड। तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वैसे तो एयरटेल के पास कोई ऐसा आईएसडी प्लान नहीं है जिसको रिचार्ज करने के बाद आपको डेडिकेटेड एक बैलेंस मिल जाए जो आप आईएसडी कॉल्स पर खर्च कर सके। जैसे कि रिलायंस जियो में 501 रुपए का प्लान अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो आप अच्छी दरों पर आईएसडी कॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फ्री आईएसडी कॉल का एकमात्र प्लान अवेलेबल है, जो कि आपको ना तो एप्लीकेशन पर और ना ही वेबसाइट पर मिलेगा। लेकिन अगर उस प्लान को आपको रिचार्ज करना होगा एज अ पोस्टपेड कस्टमर, तो आपको कस्टमर केयर पर बात करके वो प्लान एक्टिवेट कराना होगा। और अगर आप प्रीपेड कस्टमर है तो आपको सीधे वो स्पेशल टैरिफ प्लान रिचार्ज करना होगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। 1599 रुपए इस प्लान की कीमत है। इस प्लान में आपको 200 आईएसडी मिनट्स मिलते हैं, लेकिन उनको आप चुने हुए कंट्रीज में ही इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि आप यूके में मोबाइल या फिक्स्ड लैंडलाइन नंबर पर फ्री में ये 200 मिनट आईएसडी कॉल कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल लैंडलाइन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मलेशिया में मोबाइल लैंडलाइन, यूएसए में मोबाइल लैंडलाइन, कनाडा में सिर्फ आप फिक्स्ड लैंडलाइन नंबर पर ही फ्री में कॉल कर पाएंगे। मोबाइल नंबर पर आपकी ये फ्री जो 200 मिनट है वो काम नहीं करेंगे। इसके अलावा सिंगापुर में फिक्स्ड लैंडलाइन और मोबाइल दोनों ही नंबर पर काम करेगा। थाईलैंड में फिक्स्ड और लैंडलाइन पर काम करेगा। हांगकांग में फिक्स्ड लैंडलाइन, इसके अलावा बांग्लादेश में फिक्स्ड और लैंडलाइन, और साथ में चाइना में भी फिक्स्ड और लैंडलाइन पर ये 200 मिनट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए पूरी दुनिया के मुल्क चार्जेस के साथ आप आईएसडी कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर 1599 के अलावा सिर्फ 18 रुपए का प्रीपेड में आईएसडी रेट कटर प्लान अवेलेबल है। 2022 में भी आपको अगर आईएसडी कॉल करनी है सस्ती दरों पे, तो आप 18 रुपए का ये प्लान रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आईएसडी कॉल्स की दरें घट जाएंगी कुछ परसेंट तक। मान लीजिए जैसे कि आप अगर यूके में कॉल करना चाहते हैं तो वहां का स्टैंडर्ड चार्जेस जो है वो अलग है, और आप 18 रुपए का रिचार्ज करने के बाद कॉल करते हैं तो वो चार्जेस अलग है, जिसकी एक पूरी लिस्ट है जिसके रेट्स आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन एयरटेल की वेबसाइट पर जाकर। तो 18 रुपए का प्लान ये 28 दिन तक आपका साथ दे सकेगा। और इसी तरीके से पोस्टपेड जो यूजर्स हैं वो भी 18 रुपए का जो रेट कटर है वो अपने प्लान में एड ऑन करा सकते हैं अगर उनको आईएसडी कॉल करना है। उसके बाद वो जहां पर भी दुनिया भर में कॉल करना चाहते हैं तो वो घटी हुई दर पर वो उसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके अलावा और कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो कि आपको एयरटेल में आईएसडी में स्पेशली सहूलत दे सके। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके मोबाइल में जो बैलेंस अवेलेबल है आप उसी से आईएसडी कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्री इनेबल या एक्टिवेट कराने की अलग से जरूरत नहीं होती है। आईएसडी कॉल प्री एक्टिवेट होती है प्रीपेड पर, और पोस्टपेड पे एक्टिवेट करानी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपको काफी कुछ पता चल गया होगा इस नए साल में आईएसडी कॉल को लेके। बाकी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ। अब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े दीजिए हम साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।